हरे नामानुकीर्तन, ये पुराण का श्लोक कहते हैं यज्ञ से भगवत नाम से क्या होता है, हैं? इसमें होता है क्या? एक समय साइंटिस्टों ने ये चीज को एक्सपेरिमेंट किया है। हम क्यों कहते हैं भगवान का नाम से शांति मिलता है, कहते ना ठाकुर का कहते मंगल भवन मंगल हरि, क्यों कहते हैं भगवान का नाम से? एक समय साइंटिस्टों ने ये चीज को रिसर्च किया है। देखो क्या रिसर्च किया है, बोले उन्होंने तीन ट्रे लिया, जो साबुत मूंग दाल होता है ना, उन्होंने तीन ट्रे में अलग अलग रख दिया, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया। एक ट्रे तो एक साधारण जगह पर रख दिया और एक ट्रे को भगवान का जो महामंत्र चलता है जो कि एसिड में लगा करके एक जगह पर रख दिया, और एक जगह पर जो रख म्यूजिक उल्टा पुल्टा जो म्यूजिक पास में एक एक ट्रे रख दिया, बोले देखते हैं उसमें क्या, इसमें फल क्या होता है। तो उन्होंने तीन दिन बाद में देखा जहाँ पर बेई से मूंग दाल रखा हुआ था उसमें थोड़ा अंकुर आया, और जहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन हो रहा था देखा वहां दो गुण अंकुर आया ज्यादा, और जहाँ पर ये रक म्यूजिक बज जा रहा था वहां शांति मिलती है। हैं? बोले सर्व पाप विनाशनम, जितने सब पाप है ये सब के सब भगवान के नाम से सब विनाश हो जाते हैं। हैं? हमारे गुरुदेव एग्जाम्पल देते थे, जैसे एक पत्थर उठाओ, पत्थर उठा करके पानी में फेंको, बताओ उसमें क्या होगा? बताओ उसमें क्या होगा? कोई पत्थर उठा कर पानी में फेंको उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा बच्चा? उसमें लहरी आएगी, लेकिन उसमें लहरी आएगी, वो लहरी धीरे धीरे अंतिम छोर को स्पर्श करके फिर देखना दो बार लहरी, तीन बार लहरी आती है। कहते उसी तरह जो हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं इसकी जो वाइब्रेशन है सब जगह फैल जाती है। कहते भगवान का नाम जितने दूर तक उसकी आवाज जाए उतना दूर तक जितने दुख कष्ट को दूर कर देता है, सारे दुख कष्ट को दूर कर देता है। इसलिए देखो शब्द का कितना शक्ति है। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन। देखो शब्द क्या होता है, अगर मैं कहता आर्यन बहुत अच्छा लड़का है, सबको आदर देता है, सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूता है, सबको प्रति इसकी दया की भावना, सबको प्यार देता है, शब्द ही ना जो खुश कर देगा। लेकिन थोड़ा मैंने इडियट नॉनसेंस स्टूपिड बोल दिया तो फिर क्या होगा बताओ? अब बताओ क्या होगा, क्रोध आ जाएगा कि नहीं? आपको पता है ना महाभारत किस लिए हुआ, आपको पता है ना? द्रौपदी केवल इतनी सी बात बोलती अंधा का बेटा, अंधा अंधा का बेटा अंधा अंधा होता है, इतने से केवल शब्द से पूरा महाभारत। घर में भी देखे ना कुछ नहीं हुआ, एक दौरान ने दूसरे दौरान को थोड़ी कड़ी बात बोलता थी, देखना घर में भी महाभारत, एक भाई दूसरे भैया से कुछ गलत बोल दिया घर में भी महाभारत हुई। अरे जब साधारण शब्द में इतने शक्ति है फिर भगवान का नाम में कितने शक्ति हो, है? इसलिए हम जो ये शब्द कह रहे थे ना हरे कृष्णा, बोलो मेरे साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीन नाम आया हरे कृष्ण राम, देखो इसका मतलब क्या है। हरे मतलब होता है जितने हमारे दुख कष्ट को जो हरण कर ले, इसलिए भगवान का एक नाम हरि। क्या नाम है? हरि। हरि हरि मतलब क्या, हमारे दुख कष्ट को जो खत्म कर दे। कृष्ण मतलब हमारा मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है, मन में शांति सुख नहीं मिलता है, है? शांति इसके चलते कृष्ण, कृष्ण मतलब होता है, क्री मतलब होता है, संस्कृत तो पढ़े थोड़ी बहुत, क्री मतलब होता है आकर्षण करना, असना मतलब होता है आनंद देना। अगर हमारे मन भटकता है, अब स्वयं बैठ कर थोड़ी समय हरे कृष्ण नाम कर लो, आपका जो मन भटकता है ना देखना भटकेगा नहीं मन, क्योंकि इसका मतलब होता है आकर्षण खींचना। असना मतलब आनंद देना, मतलब भटकते हुए मन को जो भटकने नहीं दे। जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, पढ़ने में मन नहीं लगता है, अब बस के भगवान का नाम पूरा करो, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगी, पढ़ाई में मन अपने आप पढ़ाई में मन लग जाएगी, हैं? उसमें राम है, राम मतलब क्या है, जीवन में जो आराम देता है, जीवन में जो आराम देता है आराम। अगर ये भगवान के नाम करेंगे तो तीन फल मिलेगा, कितना फल मिलेगा? तीन। क्या क्या बोलूं मैं, क्या बताया? हरे मतलब क्या है बोलो बेटा? कुछ हटना, कुछ पीड़ा हटना। हाँ, इसलिए हरे मतलब हर लेना, दुख कष्ट को जो हर लेना, पीड़ा को। कृष्ण मतलब अट्रैक्शन के ऊपर जो हमारे होते हैं, फल होते हैं। हाँ, इसलिए जो भटकते हुए मन को जो भटकने नहीं दे, अपना तरफ जो खींचे। स्ना मतलब आनंद देना, राम मतलब
राम को ही हमारा आराम होता जो हाँ जो जीवन में आराम होता है। अगर ही भगवान का नाम करेंगे तो इसलिए यज्ञ आपने क्यों किया है, इसलिए किए हो घर में शांति सुख हो, घर में मंगल हो, घर का सारे अमंगल दूर हो जाए, क्योंकि उसमें जो यज्ञ में जो मंत्र आहुति करते हैं ना सारे देवा देवियों का भगवान का ठाकुर का नाम से वहाँ आहुति प्रदान करते हैं। हैं शायद हो सकता है नरसिंह मंत्र में नरसिंह भगवान का नाम सुने होंगे, जब प्रहलाद को घर में बड़ी बड़ी विपत्ति आई उसको पिता ही उसको मारने के लिए कोशिश कर रहे थे, बोले क्यों, बोले तुम हरि का नाम क्यों ले रहे हो, हरि की नाम के उस समय तो एक हिरण्यकश्यप अभी घर घर में हिरण्यकश्यप हो गए, बेटे अगर शराब पीता ना वेरी गुड, बोले वेरी गुड, लेकिन अगर तो भगवान की भक्ति भजन बोले ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब धंधा किया भगवान का नाम ले रहे हैं। इसलिए हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश किया मारने के लिए, उसको पहाड़ के ऊपर में फेंक दिया, भगवान उसको पकड़ लिया, सुने होंगे ना, आंख अंदर में डाल दिए, लेकिन प्रभु का नाम कर रहे थे, आग अपने आप बुझ गई, सर्प को सामने डाल दिया, सर्प ने चरण झुका दिया, सर झुका दिया, बाघ को सामने फेंक दिया, बाघ उनको चरण में प्रणाम कर रहे हैं, हाथी को पैर को नीचे पिसवा लिया, हाथी स्वयं उनको उल्टा प्रणाम कर रहा है, बांध करके पत्थर से पानी में फेंक दिया, पत्थर तैरने लग गया, पत्थर कितना जाग रहा के साइया मार सके ना कोई, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हुई है। इसलिए भगवान का नाम, इसलिए यज्ञ क्यों कराते, घर में शांति सुख हो, घर में मंगल हो, ठाकुर का नाम से घर में मंगल हो, घर में शांति सुख हो, इसलिए हम यज्ञ करवाते, इसलिए भगवान का नाम में बड़ा ताकत है भगवान का नाम में, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, सवेरे उठ करके थोड़ी सी भगवान की भजन करना, भक्ति करना, करते हो कि नहीं करते, इसलिए पिताजी करते, पिताजी तुम्हारे कौन है, ये पिताजी है, और वो कौन है, आपका बच्चे कोई है, ये बच्चे है, इसलिए पहले तो पहला काम तो पहले पिता माता को ही भक्ति करना चाहिए, क्योंकि जब पहला गुरु होता है ना, कौन होते हैं पहला गुरु, माता पिता पहला गुरु है, सबसे पहला संस्कार पिता माता से पड़ता है। एक समय किसी ने आकर के हमारे बड़े गुरुजी को बोला, बोले गुरुजी बच्चे बात नहीं सुनते, अब घर घर में देना एक ही कहानी, बच्चे बात नहीं, देखो गुरुजी ने कितनी अच्छी बात बताई, बोले बेटा कभी रामायण पढ़े हो तुमने, बोले नहीं, बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया, बोले नहीं, बोले जो रामायण खुद पढ़ेगा नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा बच्चे कैसे उसका आदर करेंगे, क्योंकि कहाँ पर लिखा हुआ सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूनी चाहिए, रामायण देखे होंगे ना, इसलिए गोस्वामी जी कहते प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु, भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे, पिता की चरण छूते थे, हैं सबसे पहले, रामायण देखे होंगे ना, जब दशरथ महाराज स्वयं किए होंगे, लेकिन भगवान राम स्वयं जाकर पिताजी की, पहले लोग रामायण पढ़ते थे रामायण देखते थे, इसलिए क्या करते थे, पहले उठ करके पिता माता की चरण छूते थे, गुरुदेव कह रहे, गुरुदेव ने कहा जब खुद स्वयं रामायण पढ़ा नहीं, बच्चों को रामायण पढ़ाया नहीं, तो बच्चे कहाँ तुमको सम्मान करेंगे, बच्चे तुम्हें कहाँ सम्मान करेंगे, बच्चों को तो स्मार्टफोन बना दिया, कितना हजार की स्मार्टफोन, रामायण पढ़ने के लिए कभी बच्चों को हम बोलते हैं, बताओ कभी बोले हो, नहीं बोले हैं, उसको नहीं बोले, हम कभी कभी इतना लिखा पढ़ाई बच्चों कर देते ना, जब थोड़ी बच्चे लिखे पढ़े सीख जाते हैं, पिता तुम क्या जानते हो, तो अनपढ़ गमार हो, हमने इतने PhD किया, MA किया, डॉक्टर इंजीनियर किया, जिसमें पिता माता को अनादर कर उसको तो पढ़ा लेते हैं, हैं? लेकिन कई बच्चों को भक्ति की बात हम कभी शिक्षा नहीं देते, क्यों, पिता माता खुद ही नहीं करते, तो बच्चों को संस्कार कहाँ से बढ़ेगा, बच्चों का तभी संस्कार बढ़ेगी, क्या होगा, पहला गुरु कौन है, माता पिता पहला गुरु है ना, इसलिए पहले पिता माता को क्या करना पड़ेगा, भक्ति, सबसे पहले पिता माता को पहले भक्ति करना पड़ेगा, फिर पिता माता से बच्चे, फिर संस्कार पिता माता से ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्या करना, पहले पिता माता को पहले भजन करना, ठीक है, सवेरे उठ करके हरि नाम करो, भगवान की सेवा करो, भगवान पूरा रामायण पढ़ो, थोड़ी सी गीता पढ़ो, फिर देखोगे बच्चे लोग भी पिता माता जो करेंगे बच्चे वही करेंगे, ठीक है ना बच्चों, सवेरे उठ करके क्या करनी चाहिए, पिता माता को प्रणाम करनी चाहिए और भगवान के थोड़े भजन करके फिर अपना पढ़ाई, देखना भगवान की कृष्ण गीता में कहते हैं तदामी बुद्धि जगम तम जनमाम उपजाति, गीता का श्लोक है, बुद्धि देने वाले कौन है, कृष्ण कहते बुद्धि देने वाले तो मैं हूँ, तदामी बुद्धि जगम
कहते अर्जुन बुद्धि देने वाले कौन है, मैं बुद्धि देने वाला हूँ, स्वयं बुद्धि मैं देता हूँ। इसलिए अगर भगवान की भक्ति करेंगे तभी तो बुद्धि मिलेगा, नहीं तो बुद्धि कहाँ से मिलेगी है। इसलिए सवेरे उठ करके जो हरे कृष्ण महामंत्र थोड़ी समय हरिनाम करना, ठीक है बच्चों। हाँ हरिनाम करते हुए फिर क्या करो, अपना फिर अपना पढ़ाई करो, दिन भर पढ़ाई करो, अच्छे तरह से पढ़ाई करो, पिता माता को आदर करो। पहले आप लोग को करना, जो बड़े हैं ना, जो बड़े हैं पहले आप लोग को करना, फिर अब से देखना। अब स्वाभाविक जैसे माँ अगर माला करता है ना, छोटा बच्चा अगर हो ना, क्या करते माँ के हाथ से माला छीन लेगा, बोले माँ हरिनाम कर ले। देखना छोटे बच्चे वो भी माला लेकर बैठी जाते, कहते माँ इसे क्या करती है, इसको अंदर में क्या करती है, इसमें क्या है, माँ करती है ना। बच्चे स्वाभाविक रूप में जो माँ करेगा वही बच्चे करना शुरू कर देंगे। इसलिए क्या करते, देखो देखो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, देखो यहाँ पर एक बच्चा है, देखो बच्चों को देखो खड़े हो जाओ, तो खड़ा जा, देखो यहाँ पर दो तीन बच्चे हैं, तुम भी खड़े हो जाओ, देखो देख लो इतने दो तीन बच्चे को, तो इनकी पढ़ाई कर रहे हैं, देखो इनको गला में देखो, इनके ललाट में देखो तिलक, देखो घुमा कर बच्चों को दिखा दो, देखो इतने तिलक है, चोटी रखे कोई गले में, देखो माला गले में माला पहने हुई है, गले में माला पहने हुई। ये कारण क्या है, कारण है इनके जो पिता माता है ना भजन करते हैं, पिता माता इनके बच्चे भजन करते हैं, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, पिता माता से सीख करके देखो तिलक लगाए गले में, कंठी माला मंदिर में आते हैं, देखो ये माता जी देखो तिलक लगाए, इसलिए उसका बेटा ये है, देखो तिलक लगाए, इसका बेटी। तो क्या पढ़ाई क्या कर रहे हो, ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो, देखो सत्संग में बैठे तिलक लगाए गले में, कंठी देखो माला देखो, क्योंकि पिता माता करते हैं, पिता माता करते हैं, इसलिए पहला संस्कार किससे बढ़ता है, किससे बढ़ता है, माता पिता से बढ़ते हैं। अगर पिता माता जो करेंगे बच्चे वही करेंगे, ठीक है बच्चों। हमारे मंदिर में एक बाबा है, एक वो सेमिनार देता है बच्चों के लिए, तुम्हारे जैसे बच्चों को बढ़िया, तुम्हारे जैसे बच्चों के ना, वो सेमिनार देते हैं, बहुत अच्छे सेमिनार देते हैं बच्चों के लिए, तुम्हारी पढ़ाई में कैसे मन लगे, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनको पढ़ाई में मन कैसे लगे, पिता माता को कैसे आदर करनी चाहिए, हमें भक्ति किस लिए करनी चाहिए, भक्ति इसे जो क्लास देते हैं सर्च फॉर हैप्पीनेस, डज गॉड एग्जिस्ट, हुआ माई, इस विषय के ऊपर में प्रोजेक्ट द्वारा वो क्लास देते हैं, इसलिए इस बच्चे आते हैं, इस बच्चियाँ आती हैं क्लास में, इस माताएं तो सब आती है मंदिर में, इसलिए ये क्लास देते हैं, ठीक है ना। ये जो बच्चों का नाम तुम ऐड करना, शुक्र दीदी जो बच्चों का नाम ऐड कर देना, और ये बच्चों का नाम और मंदिर में आया करना, जैसे मुझे लगता है शनिवार ने संडे से बीच बीच में देते हैं, और बीच बीच में बच्चों को क्लास देते हैं, हाँ एक बाबा है वो क्लास देते हैं, बच्चे में आना, ठीक है ना। उसमें आओगे तो पढ़ाई बढ़िया होगी तुम्हारी, मन इधर उधर भटकेगा नहीं, ज़्यादा मोबाइल में मन नहीं लगेगा, ज़्यादा मन लगेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा, भक्ति में मन लगेगी ज़्यादा, ठीक है ना, आओगे ना। हाँ देखना बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा शांति मिलेगा, भगवान भक्ति में बड़े शांति मिलेगी, ठीक है बच्चों। इसलिए भगवान की भजन करो और पढ़ाई करो, पिता माता को आदर दो, पिता माता को सम्मान दो, आप भी दोनों भजन करना, ठीक है ना, क्योंकि आपका संस्कार बच्चों को ऊपर, आपका संस्कार बच्चों को ऊपर पड़ेगा। अगर आप बच्चे देखना अगर भक्ति करते हैं ना बच्चे, कभी पिता माता का बात को अनादर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि संस्कार पड़ा ना, पिता माता से हम ऋणी है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारी कर्तव्य पिता माता की सेवा करना, क्योंकि संस्कार पड़ेगा उनके ऊपर, नहीं तो बच्चे लोग अनादर करेंगे, बात नहीं सुने हैं। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय, दो मिनट कीर्तन कर दो, बाबा भी कीर्तन, अगर पीछे पीछे कीर्तन करना, बोला हरे कृष्ण।